ज्ञान यज्ञ श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। शिवः शांतस्तुर्यो यो दत्तो दान्तस्त्रिमात्रगः प्रणवार्थं तया सोऽयं शिवदत्त शरमावने। समर्पण। पूज्य पाद, यह आपकी ही आत्मा से निसरित ज्ञान यज्ञ माया आपकी प्रतिमूर्ति, हम आपके अनुचर मुमुक्षु आपकी ब्रह्मलीन आत्मा के कर कमलों में भक्ति पूर्वक सादर समर्पित करते हैं, जिससे यह आपकी प्रतिमूर्ति हमको, संसार को तथा राष्ट्र को उसी प्रकार से जागृत, प्रोत्साहित, धैर्य तथा साहस देती हुई सदाचारी, शिष्टाचारी, स्वधर्म प्रेमी, जाति प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी व विश्व प्रेमी बनाने की शिक्षा देती रहे। हमारे हृदयों में आपकी वह मिष्ट और मधुर वाणी गूंजती रहे कि बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेश भुवनत्रयम् उदारा चरितानांतो वसुधैवा कुटुंबकम् सर्वभूत हितेरता। इसे स्वीकार कर अपने ब्रह्ममय तेजोमय शरीर से हमारे अभेदमय शरीरों के मस्तकों पर आशीर्वादमय हाथ रखिए, जिससे हम आपके ज्ञानमय यज्ञ के अधिकारी बने। इति शिवम गुरु दक्षिणा। शिव प्रगटे दत्त जोधपुर प्रकटे काशी कुमार तेज पुंज दोना मिले शिष्य गुरु व्यवहार शिव शिव के लिए शिव लियो मनुज अवतार ज्ञान यज्ञ सुलभ कियो करके हाँ भव पार। जोधपुर की पावन धरा पर जहाँ श्री शिवदत्त जी महाराज का शिवावतार हुआ, वहीं काशी से 5 किलोमीटर दूर उंदी नामक ग्राम में शिव रूप श्री शिव कुमार शास्त्री जी का अवतरण हुआ। इनके पिता पंडित श्री राम सेवक मिश्र शिव के अनन्य भक्त थे। उनके यहाँ पुत्र जन्म तो लेते किंतु जीवित नहीं रहते, जिसके कारण वे बहुत दुखी थे। एक दिन जब गुरुदेव इनके घर पधारे तो मिश्र जी ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी शिव भक्ति परिपाक हो गई है, अतः अब तुम्हारे घर एक अद्भुत पुत्र जन्म लेगा। संवत 1904 फाल्गुन कृष्ण एकादशी को इस अद्भुत बालक का आविर्भाव हुआ। कहते हैं जन्म के समय इनकी जिब्वा पर त्रिशूल और ललाट पर त्रिपर्ण के चिन्ह थे। यही अद्भुत शिव स्वरूप बालक आगे चलकर शिव स्वरूप श्री शिवदत्त जी महाराज को दीक्षित कर व्यवहार में इनके गुरु बने। शास्त्री जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। आप ज्योतिष, व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं अन्य शास्त्रों के ज्ञाता थे। मात्र 20 वर्ष की अल्पायु में आप पूर्ण विद्वान हो गए। आपने शास्त्रार्थ कर कई दिग्गज विद्वानों से अपना लोहा मनवाया। आपको महामहोपाध्याय की पदवी प्राप्त हुई। गुरुदेव की अन्य शिष्यों की अपेक्षा श्री शिवदत्त जी पर विशेष कृपा दृष्टि थी। आपने अपने अन्य शिष्यों को शिवदत्त जी की वास्तविक सत्ता का भान करवाने का निश्चय किया। अपनी पुत्री के विवाह में सभी शिष्यों को कार्य वितरण किया। श्री शिवदत्त जी महाराज को प्याऊ पर जल पिलाने का कार्य सुपुर्द किया। 3 दिन तक महाराज वही बैठे प्याऊ का काम करते रहे। बाद में गुरुजी ने आकर पूछा कि शिवदत्त, तू अभी तक यहीं पर बैठा है क्या? महाराज ने विनम्र भाव से कहा, आपकी ऐसी ही आज्ञा थी। गुरुजी ने सभी शिष्य एवं परिजनों को बुलाया और कहा कि आप सभी विवाह का आनंद ले रहे थे और इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं समझी, जबकि शिवदत्त मेरे सौंपे गए कार्य अविराम 3 दिन बिना अन्न ग्रहण किए कर रहा है। ऐसी होती है गुरु भक्ति। इससे प्रसन्न होकर गुरुदेव ने काशी विश्वनाथ में पूजा जल चढ़ाने का अपना अधिकार शिवदत्त जी महाराज को दिया। कुछ समय पश्चात महाराज की पूर्णता को देखकर शास्त्री जी ने गुरु दक्षिणा के रूप में समाज सुधार का कार्य, विशेषकर ब्राह्मणों को संस्कारित करने एवं अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान को आलोकित करने का दायित्व संभालकर जोधपुर जाने का आदेश दिया। तत्व जैसे मूल से अलग होकर पुनः मूल में ही समाहित होना चाहता है, वैसे ही श्री शिवदत्त जी महाराज शिव स्वरूप तेज पुंज श्री शिव कुमार शास्त्री जी से मिलते हैं।
तथा दीक्षित होकर अपने शिष्य भक्तों तथा मुमुक्षुओं को ज्ञान पुंज से आलोकित कर अपने मूल निवास कैलाश को प्रयाण कर अपने मूल स्वरूप में समाहित हो जाते हैं। ऐसी पराशक्तियों को कोटि कोटि नमन। इति शिवम।